चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हम आपको अकाउंटेंसी के कुछ टर्म्स समझा चुके हैं और अब आज से हम आपका जर्नल शुरू करने वाले हैं। जर्नल जर्नल जानने के पहले आप जानिए अकाउंटिंग के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में कि अकाउंटेंसी में हम लोग कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे किसी ट्रांजेक्शन को ऑर्गेनाइज वे में हम लिखने का काम करते हैं। अब किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज वे में लिखने का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ क्या है कि एक हम पहले ही आपको बता चुके कि अकाउंटेंसी जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक निश्चित रूल के हिसाब से होता है, मतलब एक तरीके के हिसाब से हमें करना होता है। वो रूल वो स्ट्रक्चर क्या है, मतलब किस ढंग को हम किस प्रोसेस को हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे कैसे हम अकाउंटेंसी करेंगे। हाँ, हम बता रहे थे कि जैसे किसी दो कमर्शियल पार्टी के बीच में किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन होता है, मतलब किसी भी प्रकार का लेन देन होता है, तो उसको लिखने के लिए हमें किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और कैसे कैसे हमें वो रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले उसका जर्नल एंट्री करना होगा, सबसे पहले उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का हमें जर्नल एंट्री करना होगा। इस जर्नल को हम डे बुक के नाम से जानते हैं, डे बुक मतलब ये एंट्री डेली बेसिस पे हर बिजनेस में करना ज़रूरी होता है। हर बिजनेस में हमें इस तरीके की एंट्री करनी पड़ती है। जर्नल मतलब हुआ क्या, मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारा एक शॉप है और आज हमारे पास सबसे पहला कोई ग्राहक आता है, तो वो ग्राहक हमसे जो ख़रीदा, उदाहरण के तौर पे कि मान लेते हैं कि उसने कहा कि एक केजी चीनी दे दीजिए, हम एक केजी चीनी दिए, कैश में दिए, तो यहाँ ट्रांजेक्शन्स क्या हुआ, ट्रांजेक्शन्स ये हुआ कि एक किलो चीनी नगद में हम बेचे। अब ये एक किलो चीनी जो हम नगद में बेचे, इसको हम एक पेज पे, मतलब एक बुक में, एक रजिस्टर में, एक खास तरीके के बुक में हम लिखेंगे कि एक किलो चीनी हम नगदी बेचे। आज का डेट दे करके ऊपर हेडिंग में हमारा आज का डेट होगा और आज हम लिखेंगे कि आज हम एक किलो चीनी बेचे। फिर एक दूसरा ग्राहक आया, मान लेते हैं वो पहचान का है और वो उधार में हमसे लेता है कि मान लेते हैं कि 2 केजी चावल दे दीजिए, तो ठीक, हम उसको उधार में दिए चावल और हम फिर उसको मेंटेन करेंगे उसी रिकॉर्ड में, 2 किलो चावल फलाना हमसे उधार में ले गया। मान लेते हैं आज हम अपनी दुकान के लिए कुछ सामान खरीद करके लाए, बेचने के पर्पज से, कि 50 केजी चावल हम खरीद करके लाए, तो भाई वो भी लिखेंगे 50 केजी चावल हम खरीद करके लाए फलाना के यहाँ से, नगद या उधार जो भी है। मान लीजिए फिर हम उसका ठेला भाड़ा पे करते हैं, हम लिखेंगे 50 रुपया ठेला भाड़ा पे किए। इस प्रकार से हम कहेंगे कि आज के डेट में हम जितना भी काम किए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, आज डेली बेसिस का जितना ट्रांजेक्शन है, जितना लेन देन है, जितना हमारा परचेज, जितना हमारा सेल है, जितना हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, जितना हमारा इनकम हुआ है, हम इसे अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। आज का डेली ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन्स हमारे द्वारा आज किया गया, हमारे बिजनेस में आज हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चाहे किसी भी तरीके से हो, जब दो कमर्शियल पार्टी के बीच में किसी भी प्रकार का लेन देन हुआ वो ट्रांजेक्शन्स कहलाता है, और जब ये ट्रांजेक्शन्स हुआ तो इस ट्रांजेक्शन्स का एंट्री हम जिस बुक में करते हैं हम उस बुक को कहते हैं जर्नल बुक, जर्नल बुक। और उसी जर्नल बुक में हम जो एंट्री करते हैं, मतलब जो लिखने का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। हर अकाउंटेंसी में ये जर्नल एंट्री जरूरी होता है। जरूरी क्यों होता है, इसे हम डे बुक के नाम से भी जानते हैं, हम पहले भी बताए कि इसे हम कहते हैं डे बुक। डे बुक का मतलब कि जब हम इस एंट्री को डेली बेसिस पे करेंगे, आप इमेजिन कर लीजिए किसी बिजनेस को और उस बिजनेस में कहिए कि हम डेली बेसिस पे एंट्री कर रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा। अगर हमसे कोई कहता है
मान लेते हैं आज से 20 दिन बाद फलाना डेट में, देखिए तो हम आपको पैसा दिए थे, वो ऐसा बोला, मेरे लिए हिसाब ढूंढना आसान हो जाएगा, हम सीधे सीधे उस बुक को पलटेंगे, देखेंगे फलाना डेट में क्या क्या हुआ है, उसमें वो आदमी पैसा दिया है, क्योंकि अगर वो पैसा दिया है तो ये एंट्री जनरल बुक में हमको मिलेगा, डी बुक में हमको मिलेगा, फलाना डेट में हम सामान लाए हैं कि नहीं, वो उस डेट का हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, यही तो वो मीट द इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, हमको जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप हमको कहिएगा कि सर हम तो पेमेंट कर दिए थे, तो कौन से डेट में किए थे, हम उसका स्लिप आपसे मांगेंगे। मानते हैं आप कहिएगा हम कि हमको स्लिप नहीं मिला था लेकिन हम पेमेंट किए थे, तो मेरे पास उसका जर्नल एंट्री किया हुआ होगा, उस दिन जितने लोगों ने हमारे पास पेमेंट किया होगा उसका हमारे जर्नल बुक में एंट्री मिलेगा, उस दिन जितने लोगों को हम पेमेंट किए होंगे उसका एंट्री हमारे जर्नल बुक में मिलेगा, हम सीधे वो डेट चेक करेंगे, उस डेट के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं हम देख लेंगे कि उस दिन क्या क्या हुआ था। शॉर्ट में समझिए कि डेली बेसिस की जो एंट्री होती है हम उसे ही जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं, जो हम डेली बेसिस पे एंट्री करते हैं हम उस एंट्री को ही जर्नल एंट्री कहते हैं। अब अकाउंटेंसी में सिर्फ जर्नल एंट्री ही मायने नहीं रखता, अकाउंटेंसी में इसके बाद है कि जब जर्नल होगा फिर लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है, फाइनल अकाउंट में 3 सेक्शन होते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बहुत लंबा चौड़ा खेल है ये। हम इसको लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हैं, कारण हम समझाना चाहेंगे। देखिए इसको आप समझना चाहते हैं तो ग्राफ के तौर पर आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, आप इस ग्राफ को देखिए, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारा ये ट्रांजेक्शन्स हुआ, मतलब हमारे बिजनेस का, हमारा बिजनेस अगर एक सर्किल है, अगर एक सर्किल है हमारा बिजनेस, तो इस सर्किल का कितना छोटा सा हिस्सा हुआ जब ट्रांजेक्शन हुआ, और जब हम जर्नल एंट्री किए तो आप इस सर्किल का परसेंटेज के हिसाब से अनुमान लगा लीजिए कि हम जर्नल एंट्री किए तो हम अपने बिजनेस में जो एंट्री हुआ, जो एंट्री लेवल का काम हुआ वो कितना परसेंट हुआ, तो मुश्किल से देख लीजिए आप 20% के आसपास है, मुश्किल से 20% के आसपास है। तो इस तरीके से देखिए कि यानी कि पहले ये एंट्री, उसके बाद फिर ये एंट्री होगा, ये एंट्री होगा, और इस एंट्री में 3 चीजें हैं। हमारा टैली यूज करने के पीछे जो मकसद है, जो पर्पस है, क्यों हम टैली यूज करते हैं पता है, ये अभी तक हमने आपको नहीं बताया कि हम टैली यूज क्यों करेंगे, हम कोई दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, टैली ही ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है। और कंप्यूटराइज्ड करने का क्या बेनिफिट मिलेगा हमको, ठीक हम कॉपी पे तो मेंटेन ऐसे कर ही रहे थे, हमको क्या प्रॉब्लम था जो हम कंप्यूटर पे शिफ्ट हुए, तो एक रीजन तो है कि हम चलिए फिजिकल जो हमारा डेटाबेस है, जो हमारा फिजिकल इंफॉर्मेशन है, वो फिजिकल इंफॉर्मेशन एक लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, जबकि हम अगर सॉफ्ट कॉपी के क्षेत्र में मतलब कंप्यूटर में अगर रखना चाहें तो बहुत आसानी से रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही बात है, नहीं, एक चीज और है कि जब आप टैली सीखे ना तो टैली में आपको जर्नल एंट्री करना है, जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका जर्नल एंट्री आपको टैली में करना पड़ता है, बाकी ना लेजर, ना ट्रायल बैलेंस और ना फाइनल अकाउंट, ये टैली में आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर नहीं करना। हालांकि हम अकाउंटेंसी में आपको बनाना बताएंगे, हम आपको मैनुअली बनाना बताएंगे, पेज पे कैसे आपको बनाना है वो हम बताएंगे, लेकिन टैली में बनाना नहीं बताएंगे, टैली में देखना बताना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि वो खुद बन चुका होगा, हम इधर जनरल एंट्री किए और बाकी सारा काम हो गया। समझ लीजिए कि अगर हम इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं कि अकाउंटेंसी के प्रोसीजर को हम समझते हैं कि हमको पूरी छानना है, तो पूरी छानने के लिए हमको सिर्फ आटा गूंदना है बस, बाकी काम कंप्यूटराइज्ड है, बेलने का काम कंप्यूटर कर लेगा, तेल गर्म करने का काम कंप्यूटर कर लेगा, उसको छान कंप्यूटर देगा, छान करके निकाल भी कंप्यूटर देगा, एकदम फाइनल सब कुछ आपका रेडी है, सिर्फ आपको आटा गूंथना है, और उस आटे गूंथने की प्रक्रिया को आप यहां समझ लीजिए कि आप यहां जर्नल एंट्री से कंपेयर कर रहे हैं।
कि मतलब अबाउट 75% वर्क जो है आपका वो सिस्टम के द्वारा किया जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एडिट करना है। इट मींस कि आगे से फ्यूचर में ध्यान रखना है कि हम जर्नल एंट्री में जितना परफेक्ट होंगे हमारा अकाउंटेंसी उतना परफेक्ट हो, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री में गलती नहीं तो कंप्यूटर तो ऐसे भी गलती नहीं होता है। कंप्यूटर कभी गलत किसी भी केस में नहीं होता है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जर्नल एंट्री आपका परफेक्ट होना चाहिए, जर्नल एंट्री में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप जर्नल में कुछ भी गड़बड़ कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा अकाउंटेंसी गड़बड़ आ जाएगा। और यही कारण है कि जर्नल एंट्री को हम अभी तक क्या है, धीरे 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 खींच रहे हैं, बहुत थोड़ा 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 करके बता रहे हैं आपको कि नहीं, आपको इसमें परफेक्शन पूरी तरह से दिखाना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन हो, कोई भी लेन देन हो, जब आप उसका जर्नल एंट्री बनाए ना तो उसमें कोई दिक्कत आपको दिखाई ना दे, आपको लगे कि हाँ जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये उसी का एंट्री है। जर्नल के बाद लेजर क्या होता है, लेजर का यूज क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसका यूज क्या होगा, फाइनल अकाउंट क्या होगा और उसका यूज क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस अभी नहीं, अभी इसका जरूरत भी नहीं है। समय आएगा तो हम आगे के क्लासेस में आपको बताएंगे, जहां जरूरत पड़ेगा हम वहां बताएंगे। लेकिन जर्नल एंट्री के मामले में आपको पहले परफेक्ट होना है। ये आपका जर्नल कहिए या डे बुक कहिए, टैली की भाषा में इसे डे बुक कहते हैं, अकाउंटेंसी की भाषा में इसे जर्नल और डे बुक दोनों कहा जाता है। टैली में जर्नल नाम से नहीं होता, टैली में इसको डे बुक कहते हैं। हिंदी में कहिए तो भाई डेली बेसिस का जो एंट्री होगा, प्रतिदिन हम जो एंट्री करते हैं हम, बस वही उसी को जर्नल कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब होगा तो ट्रांजेक्शन के बाद उसका हम एंट्री जो करेंगे, जो हम लेखा जोखा करेंगे, हम उसे ही जर्नल कहते हैं। और इसके लिए मार्केट में एक अलग से रजिस्टर आता है, जर्नल नाम का रजिस्टर आता है, जिसे जर्नल बुक के नाम से कहते हैं। बुक बोलते हैं लेकिन वो किताब नहीं होती है, वो एक रजिस्टर होता है। जर्नल नाम का एक रजिस्टर होगा जिसे हम जर्नल बुक कहते हैं। ये पुल पर आपको मिल जाएगा लोकल मार्केट में, अगर हम यहाँ बिहार शरीफ के हिसाब से बात कर रहे हैं तो। ऐसे ही हर जगह, हर सिटी, हर स्टेट में अवेलेबल होता है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, जब बहुत बड़े लेवल पे अकाउंटेंसी होता है, जाहिर सी बात है वहाँ भी जर्नल एंट्रीज होते हैं। और जर्नल एंट्री होने के लिए वहाँ लाइंस नहीं खींचा जाता, लाइंस खींचा हुआ हमको बुक मतलब कि वो कॉपी, वो रजिस्टर खरीद लेना होता है बस, बाकी लिखने का काम हम वहाँ कर देते हैं डेली बेसिस पे। ये काम डेली बेसिस पे होना है और जिस डेट का जर्नल एंट्री है उसी डेट में होना है। हालांकि पूरे अकाउंटेंसी में जिस दिन का जो काम है वो उसी डेट में ही किया जाना होता है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि हर कंपनी में अकाउंटेंट जरूरी क्यों होता है। अकाउंटेंट जरूरी इसलिए होता है कि जो भी आज का काम है, जो भी आज का ट्रांजेक्शन हुआ है, इधर ट्रांजेक्शन हुआ इधर नोट हुआ, इधर ट्रांजेक्शन हुआ इधर नोट हुआ ट्रांजेक्शन, ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन मिस ना होने पाए, किसी भी परिस्थिति में कोई भी ट्रांजेक्शन मिस ना होने पाए। क्योंकि डे बुक है, ये नहीं गड़बड़ाना चाहिए आपका, ये डेली का हिसाब है, ये डेली का लेखा जोखा है। डेली क्या हम खरीदे, क्या हम बेचे, किसको कितना दिए, किससे कितना लिए, ये वो हिसाब है। चलिए यहां तक हम समझ गए होंगे कि जर्नल क्या होता है। हम आगे देखते हैं, अभी ये समझने की जरूरत नहीं है आपको कि स्टेज ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, हालांकि हम समझा चुके हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर देख लीजिए तो आप एक बार शॉर्ट में देख भी लीजिए कि हमारा ओरिजिनल एंट्री जो हुआ वो जर्नल हो गया। उसके बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस में हम इसका क्लासिफिकेशंस करते हैं कि भाई ये एंट्री है, ये किस किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, वो अभी मत समझिए, शॉर्ट में समझिए क्लासिफिकेशंस करते हैं बस, बाकी उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। और समरी में फिर हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना एसेट्स मेरे पास बच रहा है, कितना लाइबिलिटीज बच रहा है, वगैरह वगैरह ये सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। जर्नल हम समझा चुके हैं आपको कि जर्नल क्या है, तो जर्नल इज अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इट इज आल्सो कॉल्ड डे बुक एंड इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि जनरल एंट्री अब किया कैसे जाता है, कैसे करना होता है हमें जनरल एंट्री, अगर जनरल एंट्री करना हो तो देखिए ये इस तरीके का एक फॉर्म होता है जनरल एंट्री को करने का फॉर्म, जहाँ हम जब जनरल एंट्री कर रहे होते हैं तो हमेशा ये बात लिखा जाता है कि जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ फलाना, इन द बुक ऑफ मल्होत्रा कंप्यूटर, इन द बुक ऑफ आशीर्वाद वस्त्रालय, इन द बुक ऑफ कोई नाम ले लेते हैं हम आदित्य विजन, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ आदित्य विजन, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ रेमंड, इस तरीके से। ये पहला कॉलम जो हमारा है वो डेट का होता है, जिसमें हम यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं, लाइक फर्स्ट जैन, सेकेंड जैन, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ होगा सेकेंड जैन, फोर्थ जैन, इस तरीके से आगे एंट्री होता है कि ये क्या क्या हुआ। पार्टिकुलर्स में हम लोग लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट, मतलब कौन देनदार है और कौन लेनदार है, कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वो इसको ध्यान से समझिएगा कि सपोज करिए हम एक ट्रांजेक्शन्स चूज कर लेते हैं, एक ट्रांजेक्शन्स दिमाग में लाइए, कोई एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि पेड सैलरी 5000, क्वेश्चन है पेड सैलरी 5000, इसका जनरल एंट्री कैसे बनेगा। तो अकाउंट कौन कौन सा है इसमें, एक आया सैलरी और दूसरा आया कैश, एक आया सैलरी और दूसरा आया कैश। हम अगर देख रहे हैं तो सैलरी हमारा कौन सा अकाउंट हुआ, सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ, कैश हमारा कौन सा अकाउंट हुआ, तो कैश हमारा रियल अकाउंट हुआ, सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ और कैश हमारा रियल अकाउंट हुआ। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स हम अगर देखें तो क्या हुआ, ये ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ये एक्सपेंस है, सैलरी हम पे किए हैं, एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। और रियल अकाउंट के हिसाब से देखें कि डेबिट वार्ट कम्स इन, क्रेडिट वार्ट गोज आउट, क्रेडिट वार्ट गोज आउट, क्रेडिट वार्ट गोज आउट मतलब गया क्या, कैश, तो ये हो गया क्रेडिट। तो हमको पता है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। ये जो फॉर्मेट बना हुआ है, इस फॉर्मेट के आधार पे अगर हमें देखना हो कि इस फॉर्मेट में हमको कैसे करना है एंट्री को, तो करना कुछ इस प्रकार से कि ये किस डेट में हुआ। सपोज करिए कि ये 1 अप्रैल को हुआ, हालांकि 1 अप्रैल को सैलरी किसी का पे थोड़े होगा, अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है, मान लेते हैं फिर भी ऐसा कि सैलरी पे हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो डेबिट पक्ष होता है, जो डी आर है, जो डी आर पक्ष है, वो हमेशा ऊपर लिखना होगा हमें, एक हो, दो हो, चार हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर चार होगा तो चार बार लिखेंगे, चार लाइन में लिखेंगे, हम एक से ज्यादा लाइन को कैसे लिखते हैं ये भी हम आगे आपको बताएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सैलरी अकाउंट डीआर, पहले से लिखा हुआ यहाँ सैलरी अकाउंट डीआर कितना, ये डीआर वाले में हम अमाउंट भरेंगे 5000। टू टू मतलब हो गया क्रेडिट, यहाँ सी आर लिखते नहीं है, मतलब सैलरी अकाउंट डीआर तो लिखेंगे कि सैलरी अकाउंट डीआर, मान लेते हैं ये लिखा हुआ नहीं होता तो हम लिखते हैं सैलरी अकाउंट डीआर। टू कैश अकाउंट, टू लिखना पड़ेगा ये आपको, TO2 लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से आपको चलना है, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। आपको ये हमेशा क्यों लिखे, हम ऊपर कैश क्यों नहीं लिख दिए, तो ये हम पहले ही बताए आपको कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर के लाइन में, ऊपर के लाइन में जो होगा वो हमेशा डी आर पच होगा, डी आर साइड जो भी अकाउंट्स हैं वो ऊपर होंगे, जो सी आर साइड के अकाउंट्स होंगे वो नीचे लिखे जाएंगे बाद में, टू वाले लाइन में, टू वाले लाइन में सी आर वाला पच और डी आर वाला जो पच है वो ऊपर, जो सी आर वाला पच होगा उसमें सी आर लिखते नहीं है और जो डी आर वाला पच होगा उसमें डी आर लिखेंगे, यहाँ टू लिख दिए मतलब सी आर पच हो गया। और इसका अमाउंट कितना है, तो ये भी है 5000। अब इसके बाद बात आती है नरेशंस की, तो नरेशंस में आपको ये पूरा कंप्लीट लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है कैसे,
तो यहाँ लिखेंगे कि पेड सैलरी, किसी ने किसी को तो पे हुआ होगा, अगर कंपनी के हिसाब से सोच करके देखिए। मान लेते हैं नाम मेंशन नहीं है तो नहीं करिए, लेकिन अगर नाम मेंशन है तो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, हमको कुछ नहीं समझ में आता, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, हम नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ बन के थोड़ा सा सोचिए। तब आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि बीइंग, और क्वेश्चन उतार दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? पेड सैलरी, मन है तो अमाउंट लिखिए, नहीं मन है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस तरीका यही है कि आपको लिखना होगा बीइंग पेड सैलरी, उसके बाद एक लाइन खींच देना है यहां पे। समझिए, हमने अपना एक जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लिया, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से करते हुए आप सारे जर्नल एंट्री को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से इस एंट्री को किया जा सकता है। इसी प्रकार से कोई और क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं होता कि पेड रेंट, तो एंट्री क्या होता कि रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। और जब बोलने की बारी आएगी तो हमेशा भी इस बात को अब आप लोग दिमाग में बैठाना शुरू कर दीजिए कि जब वो बोलने की बारी आएगी ना तो ऊपर वाले अकाउंट में हमेशा आप डेबिट पक्ष को बोलेंगे, हमेशा डेबिट पक्ष को बोलेंगे। जैसे जब परचेज की बारी आती है तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, सेल्स की बारी आएगी तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। यहां सेल्स नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि सेल्स क्रेडिट पक्ष होगा। कैसे होगा बाद की बात है, वो जब क्वेश्चन आएगा, जब आपको समझ में आना शुरू होगा, तब आपको खुद पता चलेगा कि हाँ सेल्स क्रेडिट पक्ष में ही जाएगा, कभी भी कुछ भी हो जाए। और परचेज 99% केसेस में डेबिट पक्ष में ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब जो जिस पक्ष का होगा, हमेशा ध्यान रखिए कि डेबिट पक्ष आपको ऊपर लिखना है और क्रेडिट पक्ष आपको नीचे लिखना है, और क्रेडिट वाले में आपको CR नहीं लिखना है, बस टू लिखना है, टू फलाना, टू फलाना, टू फलाना। और डेबिट पक्ष में आपको क्या लिखना है? फलाना अकाउंट DR टू फलाना, बस इतना ही आपको बोलना है। ऐसे मतलब यहां बोलते हैं सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर आप इतना बोल दीजिएगा तो कोई भी बंदा जो अकाउंटेंसी जानता हो, जो अकाउंट्स सीखा हो थोड़ा सा भी, वो इस क्वेश्चन से समझ सकता है, इस क्वेश्चन को मतलब इस ट्रांजेक्शन, इस जर्नल एंट्री से समझ सकता है कि ट्रांजेक्शन हुआ क्या है, मतलब ये नरेशन वो खुद बना सकता है जो अकाउंट जानता है। चलिए, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, इसी के लिए तो नरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कि अगर किसी बंदे को समझ में ना आए कि ये हुआ क्या है तो इसके लिए ही यहाँ नरेशन लिखा गया। नरेशन मतलब एक कमेंट, व्याख्या, जो ऊपर आपने लिखा है उसका अर्थ क्या है, कोई ना समझने पाए, या अगर उसमें और आपको कुछ डिस्क्राइब करने की इच्छा हो तो वो आप नरेशंस में कंप्लीटली लिखते हैं। इस चीज को हम कंप्लीटली थोड़ा सा विशेष रूप से समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए, ये चीज तो है, इसमें अभी और क्या क्या है जनरल में। LF क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, DR अमाउंट तो क्लियर हो गया और CR अमाउंट क्लियर हो गया, हम LF के बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं आप लोगों से, ये जनरल में सबके बारे में बताया हुआ है, चलिए हम इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कोई विशेष मतलब नहीं है, कोई विशेष मतलब नहीं है। ये देखिए एक क्वेश्चन है जो शायद हमने आपको दिया भी होगा पहले, लेकिन अगर नहीं भी दिए हैं तो भी देखिए आज इसको एकदम फ्रेश में समझिए कि एक क्वेश्चन है जहां टोटल कितने ट्रांजेक्शन है, 10 ट्रांजेक्शन है। कब ट्रांजेक्शन हुए हैं? ये 1 जनवरी 2018 से शुरू हुए हैं और 10 जनवरी 2018 तक का ट्रांजेक्शन है, एक दिन में एक ही ट्रांजेक्शन है। आमतौर पर ऐसा होगा नहीं, आमतौर पर किसी भी कंपनी में एक दिन में सैकड़ों ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, दो भी हो सकता, एक भी हो सकता, 50 भी हो सकता, 100 भी हो सकता और लाख भी हो सकता, डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है, उस हिसाब से अकाउंटेंट होंगे वहां इनको मैनेज करने के लिए। तो यहां क्या है,
कि कॉमन्स बिजनेस विथ कैश, अगर हम इसका एंट्री बोलें तो अब आप सभी लोग इतना समझ चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं और इतना जान चुके हैं कि आप सीधे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डियर टू कैपिटल अकाउंट कैसे, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर नहीं समझ में आए तो हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आपको ये हम पहले बता चुके हैं कि कैश अकाउंट डेबिट में आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कैपिटल क्रेडिट में आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, तो बस इसको मेंशन करना है। और अगर इसको मेंशन करने की बात करें तो देखिए यहाँ कैसे लिखा हुआ है कि कैश अकाउंट डीआर इतना टू कैपिटल अकाउंट। चलिए नाम यहाँ आप अभी इग्नोर करिए कि जयसली जो नाम है जयसली, अभी आप इग्नोर करेंगे, कोई जरूरत नहीं, अभी समय आने पे बताएंगे हम कि ये क्यों लिखा गया, इसको फिलहाल इग्नोर करके चलेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या देखिए कि हेडिंग क्या देना है आपको, तो हेडिंग देना है कि इन द बुक ऑफ जयसली जर्नल एंट्री, ठीक है। डेट वाले कॉलम में डेट है, पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर है, डी आर आपको यहाँ लिखना है, एक कॉलम एलएफ का, एक कॉलम डेबिट का, एक कॉलम क्रेडिट का, और जैसे अरेंज्ड है ध्यान से देखिएगा, जैसे अरेंज्ड है डेटा, ये नहीं कि एक ही लाइन में हम 80,000 जस्ट बगल में यहाँ भी लिख देते 80,000, वैसा नहीं, जो जिस लाइन में है आप गौर से देखिए, इस लाइन में डी आर है, इसी लाइन में 80,000 है, और इसके बाद ये ब्लैंक है, टू जया से लिए कैपिटल्स, तो हम इसको सिर्फ कैपिटल अकाउंट बोल रहे हैं, और इसमें बस यहाँ ये नहीं कि फिर यहाँ सी आर लिख दिए, ये यहाँ कुछ लिख दिए, ये यहाँ कुछ लिख दिए, ये सब कुछ नहीं, बस सीधे ऐसे। और हुआ क्या, तो जो हुआ जयसली कमेंस बिजनेस विद कैश, ये हो गया हमारा नरेशन। इसके बाद हम एक लाइन खींचे, इसके बाद हम एक लाइन खींचे, ये लाइन भी स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आपके पास जर्नल बुक नहीं है तो आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे और कॉपी पे ये लाइन पूरी तरह स्ट्रेट करेंगे, मतलब कि तिरछा लाइन नहीं चलता है अकाउंटेंसी में, ओवरराइटिंग नहीं चलता है अकाउंटेंसी में, खराब हैंडराइटिंग नहीं चलता है अकाउंटेंसी में। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं के बराबर होना चाहिए, कम से कम करने की कोशिश करें आप, और आपका हैंडराइटिंग बेहतर हो, आपका लाइन सीधा होना चाहिए, आप ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें, एकदम ये सब चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि आपका एक ओवर राइटिंग अगर आप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको वहाँ साइन करना पड़ेगा कि हाँ ये आप ही के द्वारा किया गया ओवर राइटिंग है, ताकि कोई फर्जी ना होने पाए, कोई दिक्कत नहीं हो, जो बाद में अकाउंटेंट आएगा वो अगर उसमें कुछ करता है तो वो पता चले, क्योंकि आपका वहां साइन नहीं होगा, वो साइन नहीं होगा तो ये क्लियर है कि वो आपके द्वारा नहीं हुआ है ओवरराइटिंग। और आपको ऐसे ही चलना है, ऐसे ही फॉलो करना है, मैनुअल वे में, मैनुअल वे में। जब टैली पे आएंगे तो टैली पे तो भाई जो मैनुअल में बना हुआ रहेगा उसको तो सिस्टम में एंट्री करने से मतलब रह जाएगा, सिस्टम में हमको कैसे एंट्री करना है। तो इस प्रकार से दूसरा एंट्री देखेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिपोजिटेड कैश विथ बैंक, मतलब इसका क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, इसका बनेगा बैंक अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। देखिए ये यही बना हुआ है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, नरेशंस में डिपोजिटेड इनटू बैंक। इस तरीके से तीसरा एंट्री क्या है, परचेस गुड्स बाई पेइंग कैश, मतलब क्या बनेगा इसका, परचेस अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। जब भी कोई आपसे पूछ दिए किसी ट्रांजेक्शन को देख करके कि ये ट्रांजेक्शन है बताइए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बस खट से दिमाग में लाइए कौन कौन सा अकाउंट है, कौन कौन से अकाउंट टाइप से बिलोंग करता है, उस अकाउंट टाइप के रूल्स क्या हैं, जो रूल्स हैं उसके आधार पे उसका एंट्री कैसे होगा, और इतनी सारी चीजें जितनी कम वक्त में आप अपने दिमाग में ला सकते हैं। और यही कारण है कि हम जब आपको याद करने बोले थे गोल्डन रूल, तो हम बोले थे कि कम से कम वक्त में आपको बोल लेना है, क्योंकि देखिए अगर आप वहां टाइम लगाए, सपोज करिए कि आप किसी अकाउंट्स के रूल को बोलने में 5 से 10 सेकंड लगा देते हैं,
10 सेकेंड तो आपके दिमाग में ये आने में लगा कि भाई रूल क्या, फिर उसका हिंदी समझना भी तो है, आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि आप बोले क्या। स्पीड से बोल देना सिर्फ मायने नहीं रखेगा, वो एग्जैक्टली आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसका हिंदी अर्थ क्या होता है और आपके इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में उसका अर्थ क्या है। उसी से आपको आइडेंटिफाइड होगा कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, और ये सब काम हम आपको पहले करवा चुके हैं। बस यहां तो लिखना है, तो यहां अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 तारीख के डेट का अगर हम देख ले तो, परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो इतना ही है कि लिप्टन एंड कंपनी से परचेज हुआ, मतलब परचेज अकाउंट डी आर टू लिप्टन एंड कंपनी। देखिए एंट्री देखिए, एक परचेज टू कैश हुआ और एक परचेज टू लिप्टन एंड कंपनी। वहां चूंकि सीओ ही मेंशन है इसलिए यहां हम सीओ लिख रहे हैं, हमको पता नहीं कि कंपनी है कि कॉरपोरेशन है कि कोपल है कि क्या है, हमको नहीं पता, बस सीओ डॉट था इसलिए यहां सीओ डॉट है। आप ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लिप्टन एंड सीओ डॉट, तो जो है उसका नाम वो नाम यहां पे मेंशन किया गया। पांचवा एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डियर टू सेल्स अकाउंट, मतलब कि सेल हुआ है, सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव्ड कैश। जॉय से कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि कैश हुआ है, तो कैश अकाउंट डियर टू सेल्स अकाउंट, हमेशा डीआर वाले लाइन को फर्स्ट में बोलना है, सेकंड में हमारा क्रेडिट पक्ष बोला जाता है, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेड सैलरी बाय कैश, यानी कि सैलरी टू कैश अकाउंट। देखिए सैलरी टू कैश लिखने का तरीका बहुत ध्यान से समझिएगा, लिखने का तरीका प्रॉपरली अरेंज करना है आपको, ऐसे ही करना है, आप इसमें अपनी मर्जी से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कि इतना डिस्टेंस के बाद टू होगा तो इतना डिस्टेंस के बाद ही टू होगा, डी आर इधर कॉर्नर में यहाँ पे होगा मतलब यहाँ पे होगा, आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं लिखने का काम करेंगे। अगर लिखते हैं ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रहेगा कि भाई गलत हो सकता है, कहिए कि अगर आप ऐसे लिखें तो हो सकता है हम आपको 10 में से 9 नंबर दें, जबकि ऐसे लिखें तो हम आपको 10 में से 10 नंबर, ये इसी लाइन में होना है। आप नीचे अगर गलती से लिख दिए कि भाई इस लाइन के बराबर में आ गया कैश वाले लाइन के बराबर में, तो 10 में से 2 नंबर भी नहीं मिलेगा, फिर इसके बाद ये क्रेडिट पक्ष इसका खाली है, फिर टू कैश अकाउंट में यहाँ ये नहीं कि सी आर लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये बस ये भी खाली है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, और ऐसे ही लिखना है, अरेंज करके लिखना है, ढंग से लिखना है। हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जब जर्नल एंट्री करें तो उसमें किसी प्रकार का कोई खामी ना छूटने पाए, कोई गलती ना हो आपसे। हम अभी यहाँ बहुत सारे टर्म को, बहुत सारे पॉइंट को थोड़ा हिडन ही रखे हुए हैं, क्योंकि पहला दिन है आपका जर्नल एंट्री में, और पहला दिन आपको ढंग से पहले करने आ जाना चाहिए, पहले सीधा लाइन खींचने आना चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने आना चाहिए, बस जो है नरेशन ढंग से वैसे लिख देंगे। बॉट फर्नीचर बाई कैश, यानी फर्नीचर टू कैश होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टू कैश होगा, और ये इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज टू कैश, फर्नीचर टू कैश, देख लीजिए कंप्लीट हो गया जर्नल एंट्री, और आपको ऐसे ही तो करना है। तो आपका जो टास्क है, जो अगला टास्क है, वो टास्क हम दे देते हैं कि इसके बाद आपको करना क्या है। अगर आप ये समझ चुके हैं पूरी तरीके से तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, और हम देखते हैं कि आपको क्या टास्क में देना है। टास्क में देने के लिए हम एक क्वेश्चन, चलिए गूगल कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, गूगल कर लेते हैं जर्नल एंट्री क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अभी हम आपको बना रहे थे, तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन रहेगा।
आप अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। आपका अगला क्वेश्चन यही होगा जिसका जर्नल एंट्री आपको करना है कॉपी पे। जो जो है वो क्या है वो आप देखिए, आप जानिए, आप करिए। हम अगले दिन इसका सॉल्यूशन बताएंगे, चेक करेंगे, हर किसी का चेक करेंगे कि क्या क्या सही बनाया है आपने या नहीं बनाया। इसको पहले क्या करिए, पहले कॉपी पे नोट कर लीजिए पूरा का पूरा। नोट करने के बाद आप वहां से फिर जर्नल एंट्री बनाना शुरू करिए। ये कंप्लीटली सही सही आपको बनाना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी से ये सारा चीज बन जाना चाहिए। आपको नोट करने वाला जो लाइन है वो कितना है, इतना से लेकर के ये आपको नोट करना ही करना है। कितना बोल रहे थे हम, इतना से मान लेते हैं कि अगर आप कहते हैं कि ये वीडियो में नहीं दिखेगा, पता नहीं कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा, हम इसका एक कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम इसके डिस्क्रिप्शंस में ये क्वेश्चन दे देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला। फिलहाल हम इसको नोटपैड में रख लेते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन पता नहीं आप लोगों को देखना भी आता है या नहीं। हम अगर किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना चाहें कि सपोज करिए कि ये वीडियो है हमारा, तो ये वीडियो हम जब प्ले करते हैं वीडियो के नीचे में शो मोर होता है नाम से ये, जानते हैं और और इसमें शो मोर में जाइएगा तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है इस तरीके से। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को देखिएगा, नोट करिएगा और नोट करने के बाद आप इसको वापस बनाइएगा। अगले दिन इसके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे और थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो हम अभी तक हाइड करते आए कि ये बाद में जानेंगे, ये बाद में जानेंगे, ये बाद में जानेंगे, वैसा एक एक करके हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ और पॉइंट्स आपको आगे ऐड करते हुए बताते चले जाएंगे। समझते हैं, आज के लिए इतना बहुत है, आज का क्लास हम यहीं पर ओवर कर रहे हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा आईडी हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।